हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस होंडा के बेहतरीन कॉम्पैक्ट एसयूवी कार होंडा WRV के बारे में। एंड ये देख रहे हैं WRV का टॉप एंड मॉडल VX। यहाँ पे काफ़ी बड़े से आपको मस्कुलर एंड ब्रॉड से लुक्स मिल जाएंगे इस एसयूवी कार के। एंड भाई होंडा का रिलायबल इंजन, काफ़ी बड़े सा स्पेस एंड काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं सनरूफ के साथ। तो और इसी को आज कवर करने वाले हैं। एंड बात करें अगर इसके वेरियंट्स की, तो टोटल दो वेरियंट्स में कार आपको मिलती है, जिसमें बेस इसका SV एंड टॉप एंड मॉडल जो आप देख रहे हैं VX। सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, डीजल पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन दिए जाएंगे आपको इस कार में। एंड कलर ऑप्शंस की बात कर ले तो ये आप इसका व्हाइट कलर देख रहे हैं, इसके अलावा आपको ब्राउन, रेड, सिल्वर एंड स्टील कार्बन जैसे आपको पे टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के साथ। एंड साइड प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया से एलॉयस वगैरह एंड इस तरह कुछ स्मार्ट की, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं। पीछे होंडा की ब्रांडिंग दोनों ही स्मार्ट की दी जाएंगी। तो भाई चलते कार के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं एक्सटीरियर में क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सा होंडा का लोगो एंड काफ़ी बड़ी सी क्रोम की स्लाइड आपको मिलती है एंड ग्रिल पूरी ब्लैक फिनिश में। हेडलैमिनेट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं। देन साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाते हैं, ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स। देन नीचे के साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं एंड क्रोम इंसर्ट भी दिया गया है। तो भाई लुक्स तो काफ़ी बड़े ब्रॉड से हैं। एंड नीचे यहाँ पे इसकी सिल्वर कलर की पूरी स्किड प्लेट जो मस्कुलर सी लग रही है। देन नीचे आते हो तो ये रहा इसका पूरा इंजन सस्पेंशन वगैरह का सेटअप। एंड काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का। यहाँ पे देखेंगे तो टोइंग हुक का ऑप्शन। सो फ्रंट से तो भाई काफ़ी बड़े ब्रॉड से आपको यहाँ पे इसको लुक्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आएंगे तो इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर, और ये इसकी प्लेन रूफ, यहाँ पे सनरूफ, रूफ रेल्स एंड दो ही वेरियंट्स मिलते हैं। तो बेस मॉडल में आपको सनरूफ नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको सनरूफ, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, अलॉयस तो आपको बेसिक मॉडल से दिए जाते हैं, प्लस टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के साथ। एंड यहाँ पे साइड प्रोफाइल भी बेहद मस्कुलर सी दी गई है। एंड अगर इसके हम लोग वारंटी की बात करें तो होंडा आपको इसमें 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराते हैं इस कार के साथ। एंड डायमेंशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़े से 3999 mm की इसकी लेंथ एंड 1734 mm की विथ एंड 1601 mm की हाइट मिल जाती है आपको इस कार की। एंड अलॉयस वगैरह काफ़ी बड़े से देखते हैं तो आपको यहाँ पे इसके डायमंड कट अलॉयस दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे आते हैं तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर किए जाते हैं। एंड यहाँ पे देखें होंडा का लोगो, यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 195/16 R16 inches के मिलेंगे रेडियल के टायर। ये रहा इसका ट्रेवल, यहाँ पे ब्लैक फिनिश में पूरी क्लाइडिंग जो कंटिन्यू रहेगी पूरा नीचे, इधर डोर में भी रहेगी, बॉडी क्लाइडिंग भी दी गई है। एंड ORVMs की बात करें तो बॉडी कलर में आपको मिल जाते हैं इसी में इंडिकेटर्स एंड इलेक्ट्रिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल होंगे ORVMs एंड इसका ए पिलर। ऊपर आते तो यहाँ पे सिल्वर कलर की इसके रूफ रेल्स, यहाँ पे सनरूफ, पीछे देखेंगे तो यहाँ पे शार्पन एंटीना, और बी पिलर जो है वो आपको ब्लैक कलर का दिया जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, बिकॉज यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है टॉप एंड मॉडल में। इस तरह डोर पैनल, ये रहा इसका फ्रंट डैशबोर्ड, ब्लैक आपको फ्रंट डैशबोर्ड प्लस इंसर्ट मिलता है सिल्वर फिनिश में। एंड इसको भी हम लोग बाद में पूरा प्रॉपर कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो जब आते हैं साइड से तो यहाँ से भाई लुक्स काफ़ी बड़े से आपको यहाँ पे दिए गए इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के। देखने में तो काफ़ी बड़े से आपको ब्रॉड से लुक्स मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ होंडा का रिलायबल इंजन, वारंटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। एंड अगर इससे हम लोग व्हील बेस की बात करें तो 2555 mm का आपको इस कार का व्हील बेस दिया जाता है एंड 5.3 m का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा इस एसयूवी कार का। एंड भाई अगर इसके आप कॉम्पिटिटर में जाते हैं जैसा कि विटारा, ब्रेजा या वेन्यू में, तो वहाँ से आपको वारंटी वगैरह एंड रिलायबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। एंड इसी के साथ सेफ्टी भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है उन दोनों कार से। एंड यहाँ पे ओवरऑल लुक्स तो आप देख ही चुके हैं, तो अभी चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ, तो वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। सो जब इधर आते हैं तो भाई लुक्स वाइज सेम ही मिलने वाले हैं। अगर इसके इंजन स्पेक की बात करें तो ये आप इसका देख रहे हैं 1.2 L IVTEC पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 8 BHP की पावर एंड 110 Nm का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग 1650 mpl का माइलेज। एंड डीजल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1500 cc का DTEC डीजल इंजन मिलेगा, वहाँ पे आपको 90 BHP की पावर एंड 200 Nm का टॉर्क, समथिंग 23 का माइलेज। तो अभी देखते हैं बैक प्रोफाइल में और क्या कुछ आपको दिया गया है। तो सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको होंडा का लोगो एंड रियर वाइपर, ऊपर चलेंगे थोड़ा तो यहाँ पे डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्प फैन एंटीना, रूफ रेल्स। इधर आते हैं तो IVTEC पेट्रोल इंजन की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड ये इसकी बैक लाइट्स, और यहाँ पे पूरा क्रोम इंसर्ट, यहाँ पे WRV की बैजिंग। सो बम्पर में आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 parking sensors प्रोवाइड किए गए डुअल टोन में, काफ़ी बड़ा साइज का बम्पर। यहाँ पे काफ़ी मस्कुलर सी इसकी स्किड प्लेट जो सिल्वर फिनिश में दी गई है। इधर रिफ्लेक्टर, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोइंग का ऑप्शन, यहाँ पे इसकी एग्जॉस्ट पाइप। तो इस तरह ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है 188 mm का, तो भाई ऑफ रोडिंग में भी लेके जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे देखते हो तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो अभी चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, देखते कितने का स्पेस दिया जाता है। सो इस तरह पूरा आपको इसका केबिन दिखने वाला है।
तो ये है इसका भाई बूट स्पेस, 363 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, 363 लीटर का यहाँ पे इसका बूट लैम्प। तो स्पेस अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा आपका लगेज वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे स्पेयर व्हील, टूल किट वगैरह सब रखी हुई आपको मिल जाएंगी। सो यही था WRV का पूरा बूट स्पेस। तो अभी डोर को करते हैं बंद, फिर चलेंगे इंटीरियर में, तो वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ दिया गया इस कार में। सो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया, एक नंबर के आपको मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस आपको 6 दिए जाते हैं, 2 वेरियंट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन दिया जाएगा इस कार में। एंड सनरूफ जैसे काफ़ी सारे फीचर्स, यहाँ पे इसका फ्यूल कैप 40 लीटर आपको यहाँ पे इसमें फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पे इसका रियर व्हील जो कि ड्रम ब्रेक के साथ आपको दिया जाता है। डोर हैंडल सारे आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। एंड ये रहा इसका पूरा सेकंड वाली रो, एंड इस तरह पूरा डोर पैनल। एंड ब्लैक आउट रहने वाला है, जहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सिल्वर इंसर्ट, यहाँ पे इसका डोर ओपनर, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर्स। एंड अंदर बैठते हैं तो सीट्स भाई आपको फैब्रिक की मिलने वाली हैं। एंड बैठने के बाद फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देख सकते हैं, ऊपर सनरूफ। तो इस तरह पूरा आपको यहाँ पर फ्रंट डैशबोर्ड दिखने वाला है। और यहाँ पे भाई रियर एसी वेंट्स मिसिंग रहेंगे, जो कि आपको इस कार में नहीं मिलते हैं। एंड स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो इधर थोड़ा सीट आ गए, एंड ये वाली ड्राइवर सीट एडजस्ट कर दी, तो उसके बाद देखते तो इतना कुछ आपको यहाँ पे इसमें स्पेस मिल जाएगा। इसकी डोर ऊपर, यहाँ पे हैंडल, और ये रही इसकी रूफ लाइट। एंड यहाँ पे पार्सल ट्रे मिलती है, तो यहाँ भी चाहे तो आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एंड ये सब आपको फिक्स ही मिलने वाले हैं। एंड आर्मरेस्ट आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। सो यही है पूरा WRV का फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह। पसंदीदा फीचर यहाँ पे आपको सनरूफ तो मिल ही जाता है। एंड फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं टॉप एंड मॉडल के साथ। तो भी चलते कार के बाहर। एंड अगर आप इसका बेस भी लेते हैं SV, तो वहाँ पे भी आपको अलॉय साइन और टच इन्फोटेनमेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से 2 वेरिएंट्स में अगर बेस में भी जाते हैं तो वो 9,08,000 से 1 करोड़ में स्टार्ट हो जाता है। 10,25,000 इसका बेस मॉडल पड़ता है पेट्रोल वाला, तो वो भी लेते हैं तो उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड अभी बात करें अगर हम लोग इसके यहाँ पे देखते हैं, तो डोर हैंडल में काफ़ी बड़ा रिक्वेस्ट सेंसर, एंड की से भी खोल सकते हैं। तो ये अगर आपकी इनकेस बैटरी वगैरह लो हो जाए तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अभी चलते हैं हम लोग कार के अंदर। तो डोर पैनल आप देख सकते हैं पूरा ड्राइवर वाला, यहाँ पे ऑल 4 पॉइंट के कंट्रोल्स। एंड ड्राइवर वाला ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन, आरबीएम एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे डोर ओपनर, सिल्वर एसेंस, यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, फ्रंट डैशबोर्ड। एंड सीट्स आपको अगेन सारी फैब्रिक यहाँ पे दी जाएंगी, फैब्रिक मटेरियल रहने वाला है। एंड स्टॉपर मोड में हाइट एडजस्टमेंट, सीट डिक्लाइन दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे पैडल्स, और यहाँ पे बोनेट ओपनर, एंड यहाँ पे देखते तो फील्ड ओपनर देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसका हेडलैम्प लेवलर, देन यहाँ पे ग्लास होल्डर। तो आइए चलते कार के अंदर, फिर देखते इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह। तो डोर को करते हैं बंद। सो भाई काफ़ी बढ़िया सा पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है। एंड यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, तो ऑन करते हैं इसके इग्निशन को। सो इस तरह काफ़ी सारी चेकलाइट्स, एंड काफ़ी प्यारा सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कि एनालॉग ही दिया गया है। एंड यहाँ पे देखते तो आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर सभी अनलॉक दिया गया है। एंड जो MID स्क्रीन है राइट साइड में आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है सर्कल शेप में, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसमें एवरेज, एंड ट्रिप पे, रेंज, ट्रिप बी, ऑडियो मीटर, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इसके MID स्क्रीन में देख पाएंगे। तो भाई काफ़ी बढ़िया से लग रहा है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड टॉप स्पीड इसकी 220 की दी गई है। एंड काफ़ी सारी चेकलाइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सो इसके बाद जब हम लोग आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ, तो यहाँ पे लेदर रैप मिलता है, यहाँ पे होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के बगल में यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह, ऑडियो सिस्टम के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इधर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिल्वर इंसर्ट, इधर क्रूज़ कंट्रोल, ये रहा इसका पूरा लेदर रैप। एंड यहाँ पे आपको कॉल्स, ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्टेबल होगी स्टीयरिंग, जैसे भी आप चाहें उस तरह एडजस्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो अभी चलते इसके फ्रंट डैशबोर्ड की तरफ, तो इस तरह कुछ दिखने वाला है। एंड सेंटर कंसोल से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इस इवेंट्स एंड इसके सराउंडिंग, सिल्वर इंसर्ट, और ये रहा इसका टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम। तो काफ़ी बढ़िया से दिया हुआ, टच रिस्पॉन्स अच्छा खासा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB ऑक्स वगैरह सबको सपोर्टेड होगा। एंड यहाँ पे टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। 4 स्पीकर एंड ट्विटर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे इसमें दिया जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करें तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे इसकी क्वालिटी, क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। एंड इस तरह कुछ आप जूम करके भी इसको देख पाएंगे कई एंगल से। तो भाई काफ़ी बढ़िया से ये अपने सेगमेंट के कॉम्पैक्ट SUV कार। एंड
टचेस। तो इसी के सराउंडिंग यहाँ पे देखते हैं तो पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। यहाँ पहजाए लाइट का स्विच, ये रहा इसका फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच रिस्पांस वाले आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है देखने में। एंड नीचे आते हैं तो दो दो आपको यहाँ पे यूएसबी के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे स्पेस, दो ग्लास होल्डर्स। ये रहा इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा इसमें। एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट, एंड इसमें आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है 12 वोल्ट का। देन इधर आते तो लेफ्ट वाला पूरा आप दो पैनल एंड फ्रंट डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, एक इधर एयरबैग, दूसरा स्टेयरिंग में। एंड विजिबिलिटी बोनट वगैरह कुछ इस तरह दिखने वाला है। ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस मिलेगा डिसेंट सा। सो ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इसका एडजस्टेबल IRVM यहाँ पे देखते हैं तो इसकी रूफ लाइट, और ये रहा आजकल का फेवरेट फीचर इसके इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो जब भी आप घूमने जाइए या कहीं भी वादियों के पूरे मजे लीजिए, आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े से इसके इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी टॉप एंड मॉडल के साथ। देन सनवाइजर में आते तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर आपको ऑफर किया जाता है, और कॉपसेंजर साइड तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा इसके सनवाइजर में। एंड यहाँ पे इसका ग्रैप हैंडल, पीछे का पूरा केबिन। सो यही है भाई हमारी होंडा की WRV का टॉप एंड मॉडल। एंड यहाँ पे होंडा का रिलायबल इंजन एंड सेफ्टी होंडा की वैसे भी जानते हैं फेमस है। तो अभी ऑफ करते हैं इसके इंजन को और चलते हैं हम लोग कार के बाहर, फिर बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में, क्या कुछ आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो भाई इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विटारा, ब्रेजा एंड होंडा वेन्यू इसके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, बट भाई होंडा के क्या ही कहने, उसके अपने अलग ही जलवे हैं। एंड अगर इसके हम लोग प्राइसिंग की बात करें, जो आप इसका टॉप एंड मॉडल देख रहे हैं VX पेट्रोल, तो ये आपको 9,99,000 एक्स शोरूम एंड 11,25,000 के समथिंग पड़ता है ऑन रोड लखनऊ। ये पर अगर आप इसका डीजल लेंगे टॉप एंड मॉडल तो आपको 12,20,000 एक्स शोरूम एंड 14,05,000 के आसपास पड़ेगा लखनऊ में। सो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्टेट वाइज। एंड भाई लुक्स गजब के मिल ही जाते हैं इसी के साथ, सारे फीचर्स सनरूफ के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो होंडा WRV का। एंड अगर इसके हम लोग सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, जैसे आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके टॉप एंड मॉडल के साथ। सो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर होंडा WRV का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।